हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज स्नेहा गुप्ता एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट एनआईटी आई टी कॉलेज टुडेज माई टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब सेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस एज अ एग्रीमेंट व्हिच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू एनफोर्स्ड होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं So, contract is equal to agreement plus enforceability by law. So, we can say in a contract includes two ascension elements. First is agreement, and second is enforceability by law. So, let's start with the agreement. What is agreement? Agreement kya hota? Hai? Agreement is equal to offer plus acceptance. Suppose any बी को ऑफ़र प्रपोज किया फॉर एनी बिजनेस फॉर एनी पार्टनरशिप फॉर एनी और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं जब भी कोई वन पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र प्रपोज करता है और सेकंड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं इन एग्रीमेंट इट इज़ नेसेसरी टू इन्वॉल्व टू पार्टीज एग्रीमेंट को बनाते समय दो पार्टी का होना जरूरी है फर्स्ट ऑफरर एंड सेकंड एक्सेप्टर आपने ऐसा कहीं सुना है मैंने आपने आपको ऑफ़र दिया और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया नहीं एग्रीमेंट को बनाने के लिए दो पार्टीज चाहिए सो दस वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते सो बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ और एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस असेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट इंक्लूड है बट एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं है सो सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ सो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है वॉट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ सो एनफॉर्चिटी बाई लॉ इज़ अ मस्ट क्रिएटर लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें लीगल लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना ज़रूरी है ऐसा नहीं नॉट मेयरली सोशल इन नेचर या डोमेस्टिक इन नेचर सो वट इज़ इज शोशल इन नेचर या डोमेस्टिक इन नेचर क्या होता है सपोज़ ए ने बी को डिनर के लिए इन्वाइट किया और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया ड्यू टू सम रीज़न बी डिनर पर नहीं पहुंच पाया सो इन दिस सिचुएशन ए बी पर क्लेम नहीं कर सकता फॉर एनी डैमेजेस या एनी इश्यूज। बिकॉज ए और बी के बीच में एग्रीमेंट तो बना है बट उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है ये केवल इना शोशली नेचर था सो so, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसकी इंटेंशन लॉफुल होनी चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है सो माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अशेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किन किन एलिमेंट्स की प्रजेंस से एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है सो फर्स्ट पॉइंट इज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम हमें दो पार्टीज चाहिए इसी तरीके से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है और दोनों ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल होने चाहिए सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट इज़ अ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप दोनों ही पार्टीज की ऑफर और अक्प्टर दोनों ही पार्टीज़ का जो इंटेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वो लॉफुल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप शोशल इन नेचर बना रहे हो या डोमेस्टिक इन नेचर बना रहे हो थर्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट सब लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस सपोज़ मैंने आपको एक हाउस रेंट पर दिया और उस हाउस को किस लिए दिया फॉर गैम्बलिंग यानी कि जुए के लिए मैंने आपको एक हाउस रेंट पर दिया ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है सो so, ये ऑब्जेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और लीगल होना चाहिए नेक्स्ट अशेंशन एलिमेंट इज़ अ लॉफुल कंसिडेशन लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडेशन क्या होता है कंसिड्रेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न सपोज़ मैंने जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया आपको जैसे कि मैंने आपको हाउस रेंट दिया हाउस अब आप मैंने आपको रेंट पर दिया और उसके बदले में आपने मुझे कुछ मनी दिया कुछ गुड्स दिए ये सर्विसेज दिए तो वो होता है लॉफल कंसडेशन कंसड्रेशन आपके मनी के फॉर्म में भी हो सकता है आपके गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है सर्विसज़ के फॉर्म में भी हो सकता है नेक्स्ट अटेंशन एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पार्टीज़ के बीच में वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं पार्टीज वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए यानी कि मेजर होने चाहिए साउंड माइंड होने चाहिए इनकॉम्पिटेंट नहीं होने चाहिए जैसे कि अनसाउंड माइंड या फिर माइनर सो लेट्स सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड थैंक यू सो मच